हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान अ वे ऑफ सक्सेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग बायोलॉजी में ह्यूमन स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन में जो है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। आज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसे होता है ह्यूमन में, इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन किस किस जीव में होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन किस में होता है। और ह्यूमन में जैसे हम लोग जानते हैं कि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन चलता है, तो ब्लड में और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये सब के बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए दोस्तों, हम लोग आज रुधिर परिसंचरण तंत्र स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है, ठीक है, इसको जो है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है इनका खोज किन्होंने किया था, इसका जो है कि इसके बारे में 1628 ईस्वी में बताए थे जिस वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, और इसका खोज इन्होंने 1628 ईस्वी में किया था। और 1628 ईस्वी में इसका खोज किया था इन्होंने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है इसका अध्ययन को जो हम लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंजियोलॉजी। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। ठीक है, अब जब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है, तो इस तरह से हम लोग विलियम हार्वे को फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। इस तरह से विलियम हार्वे को हम लोग फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ये कौन कौन से जीव में ओपन होता है, कौन कौन से जीव में क्लोज होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि तीन तरह के हम लोग जीव के बारे में जनरली पढ़ते हैं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ओपन जो होता है किस में होता है, क्लोज किस में होता है। देखिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं ओपन। तो ओपन जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग ओपन में जानते हैं क्या क्या, देखिए ओपन जो होता है पहला ऑर्थोपोडा संघ में होता है। ऑर्थोपोडा में होता है, दूसरा मोलास्का में होता है, मोलास्का संघ में।
ठीक है। तो रुधिर परिसरण तंत्र जो है वो ओपन होता है ऑर्थोपोडा और मोलास्का में, ठीक है, और जो होता है क्लोज किस में होता है, ह्यूमन में होता है। जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग में हम लोग का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है और ओपन चलता है ऑर्थोपोडा मोलास्का में। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ऑर्थोपोडा क्या है, तो ऑर्थोपोडा जो है वो लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है कि लार्जेस्ट ग्रुप किसका है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला संघ किसका है, तो वो आर्थोपोडा का पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप ये है। ठीक है, आर्थोपोडा जो है वो लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। और आर्थोपोडा में जैसे आता है इंसेक्ट, कीट, इंसेक्ट जो है कीट, इसके प्रजाति सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाई जाती है जो आर्थोपोडा है। आर्थोपोडा के संग में ये लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है जो जिसमें इंसेक्ट आते हैं। मोलास्का में आप लोग जैसे लिख सकते हैं एग्जांपल में घोंघा, घोंघा जो है वो दूसरा, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सेकेंड लार्जेस्ट जीव जो है वो मोलास्का संग आता है। पहला आर्थ्रोपोडा, दूसरा मोलास्का, जिसमें आप एग्जांपल में घोंघा लिख सकते हैं जिसको इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं, स्नेल घूमरा, और लिख सकते हैं ऑक्टोपस, ये जलीय जीव होता है ऑक्टोपस, घोंघा, ऑक्टोपस, ये सब जो है मोलास्का संघ में आते हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर पे जो है कि क्लोज सिस्टम वाला आता है, जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह, ये सब जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र में, ये सब थर्ड नंबर पे पाए जाने वाला है, या जितने भी एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं जो, या रेप्टाइल्स हैं जो रेंग कर जीव चलते हैं, वो सब, तो जितना भी आर्थ्रोपोडा, मोलास्का और एनीलिडा, एनीलिडा के अंतर्गत रेंगने वाले जीव आते हैं, और जितने भी जानवर है, जीव जंतु है, ह्यूमन्स है, सब आते हैं क्लोज सिस्टम में। इनका रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो क्लोज चलता है, ये थर्ड नंबर पे आते हैं। ठीक है, ये ऑर्थोपोडा फर्स्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, सेकेंड में मोलास्का पाया जाता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, और थर्ड में पाया जाता है रेप्टाइल्स वगैरह, ह्यूमन बींग, ये सब। तो ये ऑर्थोपोडा, मोलास्का, और इसको एनिलिडा बोलते हैं लोग जो रेंग कर चलते हैं, इसको एनिलिडा आप लिख सकते हैं, एनिलिडा। ठीक है, ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला तीसरा नंबर पर ये प्रजाति पाया जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो ह्यूमन है, हम लोग को ह्यूमन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में ब्लड होता है प्लस इस तरह के जीव में जो होता है, कोई भी जीव हो इसमें, तो इसमें ब्लड पाया जाता है, हार्ट होता है, हार्ट पाया जाता है, और क्या होता है, तो इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये पूरा सिस्टम चलता है इसमें, जिसको रुधिर परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, या रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जो है ह्यूमन बींग्स में ब्लड है, हार्ट है, रुधिर वाहिकाएं, या तो एनिलिडा ग्रुप में जितना है, इस सब में ये मैक्सिमम में ये पाए जाते हैं, और रुधिर वाहिकाएं पाए जाते हैं। रुधिर वाहिकाएं के बारे में जान लीजिए, हमारे शरीर में जो है रुधिर वाहिकाएं दो तरह से बहती हैं, पहला तो धमनी में बहती है और दूसरा सीरा में बहती है। धमनी और सीरा दो तरह से हमारे ये जो है कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में रक्त प्रवाहित होती है। तो इसको रुधिर वाहिकाएं क्या क्या हैं, तो पहला है धमनी और दूसरा है सीरा।
धमनी को आप बोल सकते हैं आर्टेरीज। और सिरा को तो आप लोग जानते हैं कि इसको वेंस बोला जाता है, वेंस। ठीक है, तो इतना हम लोग अभी देखते हैं, उसके बाद आगे इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा क्लास जो है कि मैं बहुत अच्छा से लेने का प्रयास करूँगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन जो मानव शरीर है उसमें हम लोग ब्लड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि ब्लड क्या होता है। तो देखिए ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या है ब्लड, ब्लड एक तरल पदार्थ है, तरल के रूप में है और संयोजी ये होता है, तो संयोजी ऊतक है ये, तरल संयोजी ऊतक लिख सकते हैं जिसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक या इसको लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू भी इंग्लिश में बोलते हैं, लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसको लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि देखिए ब्लड का हम लोग निर्माण कैसे होता है शरीर में, ब्लड का निर्माण देखिए तीन तरह से किया जाता है, तीन लेयर्स में होता है, पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। तीन लेयर में जो है कि तीन लेयर में ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में होता है, जो तीनों लेयर के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा लेयर होता है। तो पहला देखिए, पहला लेयर जो होता है ये सेल है, यहाँ से पहला लेयर के बारे में आप लिख सकते हैं कौन सा लेयर पहला लेयर होता है। पहला लेयर को हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। दूसरा लेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा लेयर ये मेन रीजन होता है खून बनने का, तो इसको मेसोडर्म बोलते हैं। ठीक है, मेसोडर्म ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलता है कि ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है। एग्जाम्पल आपको ये तीनों मिलेगा यहाँ पे, तो मेसोडर्म हम लोग एग्जाम्पल में देख के लगाएंगे कि मेसोडर्म इसका आंसर होता है। थर्ड जो है, थर्ड लेयर को हम लोग कार्टोडर्म बोलते हैं, कार्टोडर्म। तो आपको याद रखना है कि एंडोडर्म, मेसोडर्म, कार्टोडर्म। तो मेसोडर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ब्लड को बनने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है मेसोडर्म का, इसलिए आपको एग्जाम में मेसोडर्म ही लगाना है, इनका रोल कम होता है लेकिन मेसोडर्म का ज़्यादा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बताइए कि ब्लड जो है वो ब्लड की उत्पत्ति कैसे होती है वो हम लोग जानते हैं। देखिए ये इधर लिख देते हैं या तो इसको साफ कर देते हैं। ब्लड की उत्पत्ति हम लोग देखते हैं, ब्लड की उत्पत्ति जो है कैसे होती है, कहाँ से होती है, ये सब हम लोग को जानना है। देखिए पहला अभी हम लोग देखो कि ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मेसोडर्म से। हमें देखिए एंडोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और एक्टोडर्म होता है, तो ब्लड की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। ब्लड के बारे में उत्पत्ति यहाँ से हो गया, और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है।
और क्या लिख सकते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है, तो ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक है। अब ह्यूमन बीइंग्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो मानव शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है, ब्लड के बारे में उत्पत्ति में हम लोग लिख रहे हैं क्या क्या, मेसोडर्म से होती है, तरल संयोजी ऊतक है, ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है ह्यूमन में, ये पुरुष में जनरली पाया जाता है 5 से 6 लीटर। आपका वेट का 8% होना चाहिए, वेट का 8% ये होना चाहिए। और देखिए सी डी नंबर में हम लोग लिख सकते हैं स्त्री में कितना पाया जाता है ब्लड, तो 4.5 लीटर ही पाया जाता है, ये स्त्रियों में पाया जाता है 4.5 से 5 लीटर। और लिख सकते हैं कि ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, एक कोलाइडी विलियन होता है ब्लड, ब्लड क्या है ये भी कोलाइडी विलियन है, कोलाइडी विलियन है। देखिए कोलाइडी विलियन किसको बोलते हैं, तो जिसका आकार जो है मॉलिक्यूल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, वही कोलाइडी विलियन कहलाता है। तो ब्लड क्या है, एक कोलाइडी विलियन है, ब्लड कोलाइडी विलियन है। और क्या देख सकते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4 होता है। और ये क्या है, 7.4 है तो 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय, क्योंकि ज़्यादा क्षारीय नहीं हो पाता है, ये कम ही रहता है, दुर्बल बोलते हैं। एक दुर्बल क्षारीय पदार्थ है ब्लड, ये लिख सकते हैं। चलिए अब बताइए, जैसे कि ये तो है, क्या है ये ब्लड जो है पीएच वैल्यू 7.4 है, यानी कि क्षारीय है, तो क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय है, तो क्षारीय कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु ज़्यादा क्षारीय हो, खट्टा हो, तो हम लोग पता कर सकते हैं ये खट्टा है, क्षारीय है, ठीक है। लेकिन कम क्षारीय है तो वो तो हम लोग टेस्ट से पता नहीं चल पाता है, टेस्ट करते हैं तो ये पता नहीं चल पाता है कि वो क्षारीय है कि अम्लीय है, अम्लीय है तो खट्टा है, क्षारीय है तो कड़वा लगेगा, तो ये समझ में नहीं आ पाता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर हल्का क्षारीय है तो पता नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए सबसे ईजी वे है कि आप क्षारीय पता करने के लिए लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, तो लिटमस टेस्ट के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि क्षारीय है कि अम्लीय है। तो प्रकृति की जाँच हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अम्लीय है कि क्षारीय है, इसकी प्रकृति की जांच आप लिटमस पत्र द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, लिटमस पत्र द्वारा आप जांच इसका कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्लड, ब्लड में देख रहे हैं तो हम लोग ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ये ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसका अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ब्लड का अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अब बताइए ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंग कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है, हम लोग जानते हैं कि ब्लड का कलर लाल होता है, तो लाल क्यों होता है, तो इसमें पिगमेंट के कारण ये लाल होता है। बताइए लाल होने का कारण क्या है, तो एक पिगमेंट होता है ब्लड में जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ब्लड का रंग, देखिए ब्लड का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी, क्वेश्चन यहाँ से एकदम पूछा ही जाएगा एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड लाल होता है तो क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए
ब्लड लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ब्लड लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और लिख सकते हैं ये क्या है, हीमोग्लोबिन को हम लोग श्वसन वर्णक बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग जीवित हैं। क्योंकि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है यानी कि ऑक्सीजन उसमें मिलता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसके बाद हम लोग वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाता है, तो वो श्वसन वर्णक उसको बोलते हैं, श्वसन वर्णक। रेस्पायरेटरी पिगमेंट इसको बोलते हैं, श्वसन वर्णक को रेस्पायरेटरी पिगमेंट। ठीक है, श्वसन वर्णक को रेस्पायरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, यानी हीमोग्लोबिन जो है लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन बना कैसे है, तो सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन क्या है वो जानते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में, जो लाल है ब्लड वो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, जटिल प्रोटीन है। अब बताइए ये जटिल प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है कि बना कैसे है, हीमोग्लोबिन का बनावट जो है वो दो पिगमेंट से हुआ है। सबसे पहला हीमेटिन, हीमोग्लोबिन को ही तोड़ेंगे तो हीमेटिन प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीमेटिन प्लस ग्लोबिन से बना है, और हीमेटिन या हीम इसको बोलते हैं, हीम या हीमेटिन का मतलब क्या होता है, कलर पिगमेंट। ठीक है, हीमेटिन का मतलब कलर होता है, वर्णक होता है। हीमेटिन हीमोग्लोबिन, इसका नाम लाल है, तो हीमोग्लोबिन हीम है, वर्णक है, ग्लोबिन यानी ये प्रोटीन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो हीमेटिन का मतलब वर्णक और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, तो ये प्रोटीन है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए वर्णक जो है हीमेटिन का वर्णक, हीमेटिन क्या है, वर्णक है, कलर है, तो कलर ये कैसा होता है, तो ये लाल होता है, हम लोग जानते हैं लाल, तो इसमें पाया क्या जाता है कि लाल पाया जाता है, तो आयरन इसमें होता है, आयरन डबल प्लस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन इसका कलर क्या है, इसमें पाया जाता है फेरस, जिसको आयरन बोलते हैं, आयरन डबल प्लस, आप यहाँ फेरस भी लिख सकते हैं। तो ये पाया जाता है जिसके कारण ये लाल कलर बोल सकते हैं, या हीमेटिन में ये फेरस पाया जाता है, और एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लड का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड का स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी जो ब्लड में देखें आगे कि ब्लड का कलर जो है कि रेड होता है, लाल होता है, तो वो क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होने के कारण ब्लड लाल है। अब हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है कि अभी देखें कि हीमेटिन प्लस ग्लोबिन से बना है, जिसमें हीमेटिन का अर्थ होता है कलर और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन, ब्लड में प्रोटीन का पाया जाना, तो हीमोग्लोबिन कहलाया। तो हीमेटिन में कलर में देखें कि रेड होता है, इसका कलर क्यों होता है, तो इसमें फेरस जो है Fe डबल प्लस पाए जाने के कारण इसका कलर लाल है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब लोग हम लोग देखते हैं कि ब्लड जो है, हम लोग जानते हैं कि ब्लड एक होता है प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड में, शुद्ध ब्लड में और इम्प्योर होता है यानी अशुद्ध,
हम लोग देखते हैं कि ब्लड में हमारा प्योर ब्लड भी होता है, इम्प्योर ब्लड भी पाया जाता है। तो कैसे होता है? तो प्योर ब्लड कब होगा? जब प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीकृत ब्लड होता है। जब ऑक्सीजन का ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ हो तो उसको प्योर ब्लड बोलेंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ हो, दूसरा चीज हो, तो उसको इम्प्योर बोलेंगे। तो प्योर ब्लड क्या होगा? तो ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होगा। और इम्प्योर ब्लड क्या होगा? तो डी ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड क्या होगा? डी ऑक्सीजनेटेड होगा। और देखिए, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीकृत बोलते हैं, और वी ऑक्सीकृत। ठीक है, तो ये ब्लड हमारे शरीर में इस तरह से प्योर है तो ऑक्सीजनेटेड रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन का जब हीमोग्लोबिन में हमारा ऑक्सीजन मिला हुआ हो तो वो ऑक्सीकृत कहलाता है, यानी प्योर कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ होगा हीमोग्लोबिन में, ठीक है, ऑक्सीजन O2 मिला हुआ रहेगा हीमोग्लोबिन में, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वे ऑक्सीकृत रहेगा। तो ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, तो ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा तो लोग बोलते हैं इसको क्या, इसको बोलते हैं ऑक्सीकृत। और जब ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा ब्लड में तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा कलर। ठीक है, ऑक्सीजन में जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा तो कलर कैसा होगा? प्योर ब्लड का लाल होगा। और देखिए, इम्प्योर ब्लड में क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड रहेगा, यानी कि भी ऑक्सीकृत, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ रहेगा। तो ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ रहेगा तो क्या रहेगा? हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड रहे या कार्बन मोनोऑक्साइड रहे, तो यही दोनों ज़्यादा चांसेस होता है होने का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब मिला हुआ रहेगा हीमोग्लोबिन में, CO2 मिला हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो कार्बो, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बन मिला हुआ रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। और अगर हीमोग्लोबिन में कार्बन सिर्फ मिला हुआ रहे तो इसको क्या बोलेंगे? जब कार्बन मोनोऑक्साइड रहे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रह सकता है या कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रहे तो इसको बोलेंगे कार्बो हीमोग्लोबिन। या कार्बन मोनो बोल सकते हैं, कार्बन मोनो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम लोग कार्बन मोनो और हीमोग्लोबिन लिख देंगे। ठीक है, जब ऑक्सीजन प्योर और इम्प्योर होता है, प्योर में ऑक्सीकृत रहेगा, ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा, यानी कि ब्लड में यानी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन रहेगा तो प्योर कहलाएगा, रेड कलर होगा। और जब अशुद्ध होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या देखना है आगे। देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड होता है एक प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। एक प्योर होता है और इम्प्योर होता है। प्योर कब होगा? जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा हीमोग्लोबिन में। और इम्प्योर कब रहेगा? जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रह सकता है, CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। हम लोग यहाँ देखें कि जब हीमोग्लोबिन में
ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसका कलर कैसे होता है, रेड होता है। और एक चीज बच गया था इसमें बताना कि इसका कलर क्या होता है, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा या कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो इसका कलर जनरली कैसा हो जाता है वो हम लोग को देखना रह गया था। तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लू हो जाता है, नीला, गहरा नीला। इसका कलर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो गहरा नीला रहेगा, और जब ऑक्सीजन रहेगा तो रेड रहेगा। देखिए कब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, आप समझिए इसको। जैसे हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब वो दिन में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, दिन में वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, अपना खाना भोजन बनाते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन रात में हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे जो है कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने लगते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसका कारण ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रात में पेड़ पौधे रिलीज करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो ऑक्सीजन नहीं बन पाता है। हाँ, एक चीज़ और है कि पेड़ पौधों के नीचे हम लोग रात को नहीं सोना कहा जाता है, क्योंकि उसमें अगर हम सोते हैं पेड़ पौधे के नीचे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी है तो वो पेड़ पौधे से निकल के धीरे धीरे नीचे बैठेगा, और नीचे बैठेगा तो हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, हमारा दम घुटने लगेगा, और हम लोग फिर वहाँ से क्या होता है, दम घुटने का उठ के वहाँ से चले जा सकते हैं। लेकिन उसमें हमको हमारी मौत नहीं हो पाती, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारे दम घुट रहा है। लेकिन अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रहा, आपका हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगे, यानी कि जब हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगे, जैसे कि आपका बोला जाता है कि बंद कमरे में जो है कि अंगीठी जला के या लकड़ी जला के सोना नहीं चाहिए। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जब हम लोग सांस में लेते हैं तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है, और मिल जाने के कारण क्या होता है कि वो हमारे ब्लड को सर्कुलेशन में जो कि बाधा डालती है, जिसके कारण हमारी मौत भी हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या है, बहुत घातक है। इसको साइलेंट डेथ बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाए तो इसका स्वीट साइलेंट डेथ बोलते हैं, यानी मीठी नींद आपको आएगी, नींद आने लगेगी और धीरे धीरे दम घुटने से आपकी मौत हो जाएगी, तो साइलेंट डेथ। इसमें आपका साइलेंट डेथ एकदम शांत है, आपको नींद आएगा, स्वीट स्वीट मीठा मीठा नींद आएगा और आपकी डेथ हो जाएगी दम घुटने के कारण, इसलिए इसको साइलेंट डेथ बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग को आगे देखना था। देखिए ब्लड, ब्लड में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड में आप लोग जानते होंगे सबसे पहले तो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। क्या क्या पाया जाता है, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं किसको बोलते हैं, RBC, WBC और एक और होता है, बताइए क्या होता है। देखिए रुधिर कणिकाएं, रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा को हम लोग अलग इसलिए लिखे हैं कि रुधिर कणिकाएं में RBC, WBC और प्लेटलेट्स आता है, प्लाज्मा जो कि अलग हो जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, प्लाज्मा हमारे शरीर में ब्लड में 55% तक पाया जाता है। इसको अप्रोक्स आप लोग 45 से 60 लिख सकते हैं या 50 से 60 लिख सकते हैं।
50 से 60% तक लिख सकते हैं, 55% जनरली दिया रहता है, 55% प्लाज्मा हमारे रुधिर में पाया जाता है। जो 45% बच गया ये यही सब होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। कितने होते हैं तो 45% होते हैं। अब देखिए 45% ये पाए जाते हैं, देखिए प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा 55% हमारे शरीर में पाया जाता है। ये जो है कैसा होता है तो इसका कलर जो है कि पीला होता है, हल्का पीला लिख सकते हैं, हल्का पीला कलर होगा, ये गाढ़ा रहेगा प्लाज्मा, हल्का पीला और गाढ़ा ये इसका होता है, हल्का पीला और गाढ़ा होता है। और इसका जो है ये कैसा होता है, प्रकृति में क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। देखिए प्लाज्मा में जल जो पाया जाता है लगभग 99% लिखते हैं, या 95% तक, या 99% तक लिख सकते हैं हम लोग, 95% होता है जनरली, 90 से 95 होता है, इतना पाया जाता है। उसके बाद जो बच गया वो क्या होता है, 5% तक मिनरल्स होता है, खनिज लवण होता है, खनिज लवण मिनरल्स ये पाए जाते हैं, खनिज लवण मिनरल्स पाए जाते हैं, और साल्ट बोल सकते हैं, तो ये सब 5% में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, आगे देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो बना होता है वो किससे होता है, प्रोटीन से बना होता है, किससे होता है तो ब्लड प्रोटीन से बना है। प्रोटीन में क्या क्या है देखिए, प्रोटीन का काम क्या क्या है, पहला है फाइब्रिनोजन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन और क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। देखिए प्रोटीन में, ब्लड में प्रोटीन पाया जा रहा है, प्रोटीन में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जा रहा है, तो इसका काम क्या है, तो आप लोग जानते हैं फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड का थक्का जमाता है, ब्लड क्लोटिंग, क्या काम करता है, ब्लड क्लोटिंग में काम कर सकता है, ये रक्त का थक्का जमाता है, थक्का जमाता है। और क्या पाया जाता है सेकेंड में, ये हो गया फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, और सेकेंड में पाया जाता है एल्बुमिन, देखिए सेकेंड में पाया जा रहा है एल्बुमिन, एल्बुमिन का क्या काम क्या होता है, तो ये खनिज लवण का नियंत्रण करता है, खनिज लवण का नियंत्रण, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग देखिए हैं प्रोटीन जो ब्लड में है उसमें फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन पाया जा रहा है जिसका काम है ब्लड क्लोटिंग में, सेकेंड में एल्बुमिन पाया जा रहा है जिसका काम है खनिज लवण नियंत्रण में, और एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूबिन, ठीक है, ग्लूबिन या ग्लूब्यूलिन बोल सकते हैं, ग्लूब्यूलिन, ये ग्लूबिन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है देखिए, ग्लूबिन बना है ग्लो से, ग्लो का काम क्या होता है, चमकना, ग्लो करना, ग्लो कब करता है,
हमारा बॉडी तब चमकता है जब हमारे बॉडी में सब कुछ ठीक होता है, यानी कि ब्लड की सिचुएशन ठीक है, हमारा शरीर स्वस्थ है। तो इसी से बना है ये ग्लोबुलिन, यानी ग्लो से बना है। ग्लो का अर्थ है हमारा क्षमता, शरीर का क्षमता, हमारा ब्लड का ठीक होना, हमारे शरीर के रोगों से लड़ना, तो ये सब ग्लो से बना है। तो ये इसमें जो है ग्लोबुलिन का काम है प्रतिरक्षा तंत्र की तरह काम करना, यानी रोगों से लड़ना, इसका काम है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा लिख सकते हैं या रोगों से लड़ना। ठीक है, तो रोगों से लड़ना। तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं ब्लड में प्योर इम्प्योर देखे थे, प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं आरबीसी डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट्स प्लाज्मा पाए जाती हैं, कितना पाया जा रहा है वो देखें। प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, प्रोटीन में फाइब्रिनोजन प्रोथ्रेम्बिन पहला, दूसरा एल्बुमिन और तीसरा ग्लोबुलिन। तो फाइब्रिनोजन प्रोथ्रेम्बिन का काम आप लोग जानते हैं कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, एल्बुमिन का काम है खनिज लवण का नियंत्रण करना शरीर में, और ग्लोबुलिन का काम है ग्लो करना, यानी कि हमारे रोगों से लड़ने में मदद करना, प्रतिरक्षा करना। तो यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन बॉडी में पढ़ रहे हैं, मानव शरीर में हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि मानव शरीर में ब्लड जो है कि प्योर है या इम्प्योर है। तो प्योर है तो कब है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला हुआ है, इम्प्योर है तो हीमोग्लोबिन में कब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे, और भी क्लास देखना है। अभी तक हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि ओपन है या क्लोज सिस्टम पे चलता है मानव शरीर का। तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर में क्लोज सिस्टम जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो चलता है। तो इस तरह से बहुत चीज़ हम लोग देख चुके हैं, आगे जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे वीडियोस को देखें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी का अभी बहुत सारा बायोलॉजी में क्लास देखना है आगे, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से अच्छे से आपको समझा सकूं। और यहां तक लगता है कि हम जितना कंटेंट आपको देंगे यूट्यूब पे आप देखें उसको, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको कहीं भी किसी भी चैनल में कंटेंट नहीं मिलेगा। हाँ, यह है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, इतना एक जगह पे कलेक्टेड कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलता है। तो आप देखें वीडियो को, इसको नोट्स करें, समझते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।